नमो सिद्धानं नमो आयानं नमो वचायानं नमो लोये सर्वसापु नमः शमिषादाय स्वानुभूत्यासकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरे सबसे पहले तो शिविर के विद्यार्थियों को कहना, शिविर के विद्यार्थी का मतलब है जो भी इसे सुन रहे हैं, चाहे भले वो स्मारक में पढ़ते हों, कोटा में पढ़ते हों, बांसवाड़ा में पढ़ते हों या कहीं भी पढ़ते हों, भले ही शिविर के अंत में आज परीक्षा नहीं भी हो रही है तो भी मैं आपको 50 नंबर का पेपर दे रहा हूँ। 10 नंबर का पेपर तो यह है कि आपको क्या क्या समझ में आया, और 40 नंबर का यह है कि आप कोई 11 प्रतिमाओं का पाठ कहाँ कहाँ इसका उद्धरण है, कहाँ कहाँ ग्रंथ है, कहाँ कहाँ लेखन है, किन किन आचार्य विद्वानों ने इस पर अपनी क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, वर्णन किया है। 40 नंबर का प्रोजेक्ट पेपर को 10 नंबर का तुम्हें क्या समझ में आया, हर प्रतिमा में तुम्हें क्या समझ। अब मैं कॉपी तो नहीं चेक करूंगा आपकी, लेकिन आप चाहें तो अपनी लिख करके इस मार्ग पहुंचाएं और कॉपी जैसे और उसके नंबर मिलना चाहिए आपको। नंबर मिलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में कुछ आए, और अंतिम बात अभी की अंतिम बात, चर्चा तो पढ़ाई है पूरी आपको, अंतिम बात ये होगी कि आपको ये समझाना चाहता हूँ और समझ में आना चाहिए आपको कि ये हमारे जीवन के लिए सामायिक है ना। तीसरी प्रतिमा सामायिक और दूसरी प्रतिमा अमृत प्रतिमा और पहली प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा। मैंने आत्मा कितना अच्छा लगा, उसने अपने को गृहित मिथ्या के सारे साधनों से बचाया है। पहली प्रतिमा में सब साधनों से बचाया, जहां जो गलित मिथ्यात हो सकता उनसे बचाया है, और पांच पांच पापों का ये अणु अणु मैंने एक देश त्याग करना, वीतरागता तो बढ़ ही गई फिर अहिंसाणु व्रत अचौर्याणु सत्याणु व्रत ये है क्या, वीतराग कर दिया इसने, इसलिए सामायिक प्रकट हुई थी। क्यों हिंसा भी नहीं टाल सकते जिन्हें परिग्रह बहुत अच्छा लगता, हिंसा भी नहीं टाल सकते जिन्हें झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता, दूसरों को नीचे दिखाना अच्छा लगता, चोरी करना अच्छा लगता है, तो भी कहा सामायिक नहीं कर सकते। कुछ कहा मैंने हिंसा परिग्रह बाधक, सब सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग अभी सभी लोग ये कहते हैं हम सामायिक करते हैं हमारा उपयोग ही नहीं लगता, हम सामायिक करते हैं हमारा मन नहीं लगता। तो लगता क्यों नहीं है, क्योंकि तीसरी प्रतिमा है सामायिक। आप अनुव्रति होंगे दूसरी प्रतिमा में, अनुव्रति होंगे तब सामायिक कर पाओ। विदाउट टिकट ट्रेन में जाके तो माला फेर में बैठ जाओ, सामायिक थोड़ी हो जाएगी, टेंशन ही होगी, घबराहट ही होगी, डर लगेगा टीसी का,
हिंसा करने वाला गालियां बक के आया सामाई करने बैठ जाए, कैसे कर लेगा हिंसा? समझ आए ना? तो पांच अणुव्रतों का पालन करना, फिर दिग्व्रत देश व्रत का पालन करने वाला सामाई कर पाएगा? दिग्व्रत देश व्रत समझ गए? अरे मुझे कमाने के लिए वहां जाना है, अमेरिका जाना है, रूस जाना है, जापान जाना है, सिंगापुर का जरूर देखना है, वहां बहुत लाभ है, वहां बहुत लाभ, बहुत लाभ देख रहा है सामाई कैसे? सारे विश्व में उसे कहीं लाभ दिखाई ना दे तब सामाई को, सामाई कैसे हो जाएगी? दिग व्रत देश व्रत अनर्थ दंड बिना ही बातों की फालतू बातें सोचते रहते, फालतू प्लानिंग बनाते रहते, उसे ऐसा कहना है, ऐसे बुरा करना है, आने दो जरा, बुला जरा उसे। अब यहां से सोचने वाला अनर्थ दंड, अब ध्यान वगैरह है पूरे उसके, बता वो का सामाई करे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ खास तौर से जो व्रती हो, सामायिक करते हो और सामायिक में असफल होते हो, तो सामायिक बैठने का नाम नहीं है। चित्त की इतनी निर्मलता होना चाहिए कि उसमें 12 व्रत हो। बारह व्रतों के पहले सम्यक दर्शन हो, दर्शन प्रतिमा हो, आत्मा का आनंद है, आत्मा में आनंद है, बाहर आनंद नहीं है, आत्मा में आनंद है दर्शन प्रतिमा, बाहर आनंद नहीं है ये व्रत प्रतिमा। अब संभव हो गए बाहर के इस सामाजिक क्या कह रहे हैं? आत्मा में आनंद है दर्शन प्रतिमा, बाहर आनंद नहीं है कहीं, तो व्रत प्रतिमा होगी और उसके बल पर तीसरी नंबर पे आके सामाजिक ऑटोमेटिक हो जाएगी, सामाजिक ऑटोमेटिक होगी। इस तरह से बड़ा क्रमिक है एकदम, सुंदर भी कहा है समझ में। अब वो आनंद सामायिक बढ़ती जाती है तो क्रोध दुपास करे, हाँ सामायिक बढ़ने लगी तो आनंद आ रहा है, कौन खाने पीने में लगा रहे, कौन बनाने में टाइम खराब करे, कौन इसमें लगे। जिस दिन भोजन नहीं करना समय बहुत बचता है, दूध लेने जाओ तो आधा पौन घंटा वही खा जाए, सब्जी लेने जाओ आधा घंटा वहां लग जाए, फिर आओ दो तीन बार धो संवार बहुत खटपट है, 24 घंटा आनंद करेंगे। मैंने सामायिक के बाद क्रोध दो बार क्रमिक है एकदम, आनंद नहीं आएगा तो क्रोध दो बार दुख देगा आप। यदि सामायिक का आनंद नहीं हो, आत्मा का आनंद ना हो, तो क्रोध दो बार में जी कहेगा अरे आज गर्मियों में नहीं बनती, वैसे हम ठंडों में तो कर लेते, बरसात में कर लेते, गर्मी में नहीं कर पाई। गर्मी में भी बड़े आनंद के साथ 48 घंटे का उपवास कर सकता, बड़े आनंद के साथ, हाँ निर्जय कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है। पेट साफ रखो तो हो जाएगा, पेट खराब होगा तो पित्त बढ़ गए, यदि पेट खराब होगा तो गैस बनेगी, पित्त बढ़ गया तो उसका उपाय है एक्चुअली क्या है, आधा अधूरा ज्ञान है, उपवास करो भाई। उपवास भी कौन करे और कितना करे सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए एक सा नहीं। किसी कोई कमजोर है तो उसे एक आसना बोले, बहुत ताकतवर है तो उपवास बोलेंगे दो दिन का उपवास कर जाओ, बहुत ताकत है तो शरीर में बहुत सामर्थ्य होती थी पहले, काम बहुत करते थे बड़ी परिश्रमी बाल, उनके लिए प्रोस्त उपवास वगैरह होते थे। अब पहले ही दुबले पतले, पहले ही कमजोर धरी, और ही मत खाओ। पहले जमाने में घरों में खूब घी दूध रबड़ी खूब था, रोज खाए जाते थे, खूब छाछ का गिलास भर के पी जाते थे, तीन पाव का बड़े वाले गिलास आते थे। तुम इतने इतने से मिले टुल्लू वाले छोटे बच्चों वाले, बड़े बड़े गिलास चलते थे दक्षिण कोलकाता पंजाब हरियाणा अपने आप ही थे, बड़े बड़े गिलास होते थे, 1 किलो से ऊपर का गिलास होता था, मैं छाछ ऐसे भर के पिया थे भोजन के बाद। मेहनत थी शर्म था तो मैंने सब देखना पड़ेगा। फिर भी यदि आपका पूर्ण स्वस्थ हो तो 48 घंटे का उपवास कर सकते हो। उसमें नेचुरोपैथी ये कहती है कि आप यदि आपको उपवास करना है तो कर सकते हो, लेकिन आपको पेट साफ करना है,
एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही आपका भोजन ऐसा होना चाहिए पेट एकदम बढ़िया साफ, चाहे एनिमल लेके करो चाहे नेचुरल खा के करो, करना है। इसलिए एक दिन पहले एकाशन करा देते। हाँ, इसलिए एक दिन पहले एकाशन होता है तो 48 घंटे का उपवास हो जाएगा, और वो सादा भोजन होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें तो जो कहना, वो यदि किसी को ओंठ सूखते हो और गर्मियों में बहुत पित्त भड़कते हो कुछ, और ताकि अच्छी शरीर हो, तो एक कटोरी घी पी लो आराम आराम से, उंगली से, ऐसे उंगली से पी लो, बने ऐसे सीधे नहीं कूदो, ऐसे घी से। इसलिए आपने देखा वो गर्मी जिनको बढ़ती ना, उनको घी का पानी देते, घी में गोंद तल देंगे, घी में इलायची डाल देंगे, घी में गुड़ डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, ऐसे करके फिर वो पानी पिला देते, तो पित्त नहीं भड़कते। तो जिन्हें ओंठ सूखने की समस्या हो, गर्मी बढ़ने की समस्या हो, एक बात अच्छी तरह समझ लो, खेच कर कोई क्रिया नहीं करनी। खेच करके कोई क्रिया करना, अब चक्कर आ रहे या सिर पकड़े बैठ, सिर बांध दिया उसमें बैठ गया, क्या उपवास है? एक उपवास है सिंह निष्क्रीड़ित व्रत। वो सिंह निष्क्रीड़ित उन्हीं के लिए है जो बहुत बलवान बहुत बलवान हो, बहुत बल उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। एक सिंह निष्क्रीड़ित में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, सिंह निष्क्रीड़ित के नाम पे वो खेच के कर लेते हैं। अब आखिरी में 30 दिन में एक आहार होता है, 29 दिन में 30 दिन में एक आहार होता है, बल्कि ऐसा भी नहीं है 45 दिन के अंदर 2 आहार। अब सोचो यदि कोई मुनिराज है तो 14 दिन पहले आहार हुआ, 14 दिन बाद एक आहार हुआ, फिर 15 दिन आहार नहीं हुआ, फिर 15 दिन बाद एक आहार हुआ, फिर 14 दिन फिर नहीं हुआ, तो कितने हो गए? तो 42 दिन हो गए लगभग। 42 दिन में 2 आहार हैं बीच, तो क्या होगा वो सोचो। तो ऐसे कितने लोगों के आत्मघात हो, आत्मघात जानबूझ के कह रहा हूं मैं, महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं इसका। और यदि तुम दिन और बढ़ाओगे ना, तो 13 दिन पहले एक आहार लिया था, फिर 14 दिन बाद लिया, फिर 15 दिन बाद लिया, फिर 14, फिर 13, फिर 12, जोड़ो तो आखिरी आखिरी जो है ना बहुत बड़ा मिडिल टाइम, बहुत मुझे समझो 60-70 दिन में 3-4 आहार होते, 4-5 ही आहार केवल, ज्यादा ही हो जाएंगे बल्कि और कम होंगे, 80-90 दिन में 3-4 ही आहार। अब आहार में खाते नहीं बनता है, जरा सा कुछ ले पाती, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत लंबा पीरियड इसमें जाता है। इसलिए हम ये कह रहे खेच के नहीं जाता, पराधीन भिक्षा है वो, तो क्या सब समझदार होती, बहुत ज्ञानी होती है, उसकी चर्चा तो अभी अपन करने वाले, समझ में आया? तो अभी तक जो अपनी पढ़ाई हुई है उसमें से अपन ने एक देख लिया, फिर सचित त्याग प्रतिमा होती है, फिर देवा मैथुन ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग की चर्चा करना, परिग्रह त्याग की चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। परिग्रह त्याग में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, परिग्रह त्याग में भी केवल इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अपने को जितने कपड़े पहनना उतने रखना, ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप आरंभ करते हो, मतलब क्या परिग्रह त्याग है, अभी आप भोजन बनाते हो, आरंभ त्याग में पापारंभ का त्याग हुआ है, वाणी का नहीं हुआ, तो अब परिग्रह त्याग में ध्यान रखना, इतना परिग्रह आपके पास होना चाहिए कभी साधन में आ जाए तो उन्हें कपड़े दे सको, उन्हें बिस्तर दे सको, उन्हें बर्तन दे सको खाने पीने के, ऐसे नहीं हमें तो 4 बर्तन में हमारा काम हो जाता है छुट्टी। आप अभी ग्रस्त हैं, घर में हैं, आप पानी में भीग गए, उन पे कपड़ा नहीं है, तुम कह रहे अब हम कभी कपड़ा नहीं, कोई आ जाए अचानक फट जाए, जल जाए, चोरी चले जाए, कोई बात नहीं, इतने कपड़े होने चाहिए, समझ गए ना? मैंने परिग्रह त्याग में खेच नहीं, हम तो इतना से ही रखेंगे, इतना सा नहीं, 4 गुना रखो, 5 गुना रखो, जैसा तुम्हारी फेमस हो, ज्यादा फेमस हो तो ज्यादा रखना पड़ेगा, आगे समझ में आया? तो एक बात इसका ध्यान, ऐसी धन सामग्री आदि
ऐसे नहीं, हमें तो 10-20 किलो गेहूं बहुत है साल भर। नहीं, 1 क्विंटल गेहूं रख लो आप अकेले भी हो तो। अरे 10-7 आदमी आ जाए, भोजन बना करा दो। आपको पता है जब अपने पास सामान नहीं होता तो फिर अपनी आसक्ति ज्यादा होती। अब हम बेचते से गेहूं है, अब हमारे धुले गेहूं है, हम कुआ के धुले गेहूं है ना, अब तुम कसाय कर रहे, अरे झट पीसो रोटी खिला दो सब। समझ गए कि नहीं? इतनी आरंभ में तो हाँ रखना साधारणियों के लिए एक है ये, तो इतना परिग्रह रखना अपने पास। जी कह रहे हैं परिग्रह त्याग में समझा रही है, इतना परिग्रह रखना कि आकुलता ना हो, खेच करके नहीं करना पड़े। चोरी चला जाए तो अभी रह जाए। अब यहाँ पर भी अभी सोना चांदी का त्याग नहीं करा है, सोना चांदी जितना रखना रख लो, क्योंकि सोना चांदी एक प्रकार का बैंक है। नगद रुपया चला जाएगा और चीज चली जाएगी, आग लगने पर सोना चांदी नहीं जलेगा, अनाज जल जाएगा, कपड़े जल जाएंगे, सोना चांदी नहीं जलेगा। तो सोना इतना रखना, जरूरत पड़ जाए तो उसे बेच कर अपन अपना काम चला सके। परदेश में लोग निकलते हैं ना शराबक लोग, तो सोना की चीज पहने रहते, क्यों? कुछ नहीं हुआ झट अंगूठी बेच के टिकट ले लेंगे, खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। आया समझ में? मैंने एक तो इस बात का ध्यान, मैंने जितने आपको रखना उससे ज्यादा ही रख लेना, एक बात। दूसरी बात तुम लोगों के लिए कह रहे कि अभी से सोचो कि तुम्हें कितनी जरूरत पड़ेगी जीवन भर। तुम 20 साल के हुए, 18 साल के हुए, तुम्हें कितनी जरूरत पड़ेगी? तुम्हें लगता है कि हमें 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो हम कह रहे 25 करोड़ का नियम ले लिया है, ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, 25 करोड़ कमाएंगे जिंदगी में 25 करोड़। अब मान लो 25 करोड़ एक ही दिन में हो जाए, बहुत बढ़िया छुट्टी त्याग पत्र। जो कौन मतलब है 2 साल में पुण्य का उदय आया सब 25 करोड़ हो गए, तो हो गए तो अब हम और कमाने लगे। नहीं, अपनी समझ गए, माने 5 करोड़ की जरूरत महसूस हो रही तुम्हें पूरे जीवन के लिए। मान लो अभी 60 साल हो रहे तुम्हारे पास, 20 साल के हुए मान लो 60 साल, तो 60 साल के सोचो कितना लगेगा आपको, एक मकान लगेगा, क्या क्या लगेगा सोचो। 1 साल में 20 लाख खाओगे, लिख लो 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख के हिसाब से बना लो हिसाब। मैं कितने खाओगे हमें नहीं पता, 20 लाख कह रहे हैं हम, 20 लाख तो कोई नहीं खाएगा। मान लो तुम अपने हिसाब से बना लो गाड़ी। मैंने ऐसा संकीर्ण नहीं बनाना कि अपने बच्चों को ना खिला पाए, रिश्तेदारों को ना खिला पाए, धर्मात्माओं को आहार दान ना दे पाए, ऐसा नहीं। उनका अलग होगा, हाँ अलग अपने हिसाब से करो ना, कोई दिक्कत। हम नहीं कह रहे अब तो, अपने मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ जो देश भर में सुन रहे, ये जो श्रावक सुन रहे हैं उनसे भी कह रहे, नियम जरूर लो पड़ेगा। जैसे हमने सोच लिया हमें इतना कमा निकल गया, छुट्टी हो गई। अब वो छोटी नौकरी मिली थी हमें 500 रुपये महीने की, तो हमें लगता था हम 20-25 साल तक कर दे रहे किसी, क्योंकि 500 रुपये मिलते थे गवर्नमेंट जॉब में उस जमाने में, तब भी बचते थे 400 रुपये। लेकिन ठीक है उस जमाने में बस हमें ये लगता था ठीक है अपन करने गए, किराए का मकान ले लेंगे, 25 रुपये का किराए का मकान था, 1 रुपये की लकड़ी आती थी महीने भर की, है ना, ऐसे कुल मिलाकर काम कर लेते थे, 100-125 में निपट जाता था, 400 फिर भी बच जाते थे। धीरे धीरे बढ़ के वो ज्यादा हो गए और जल्दी नौकरी छोड़ दी, और प्रोफेसर बन गए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो और ज्यादा तनख्वाह और जल्दी छोड़ के छुट्टी हो गई। मेरा मतलब है कि एक निश्चित सीमा कर लो और ज्यादा कर लो, कम मत करो। समझ गए? और खर्च करते रहो, खर्च करते रहो। मैंने एक बहुत गंदी आदत जाती थी परी के परिमाण वालों की जोड़त रही, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज कमाते जा रहे, जोड़ते जोड़ते जा रहे, फिर बार बार दुखी हो रहे, वही तो मर्यादा से बाहर जा रहा पैसे, तो खर्च कर दो, खर्च कर दो, लोक उपकार करो, मंदिर में खर्च करो, सिविल लगवाओ, बहुत अच्छी बात है, तो बुराई थोड़ी है, अच्छे काम करो। आगे बात समझ में आई? बहुत सुंदर चर्चा है। तो परिग्रह में दूसरी बात ये हुई, अब तीसरी बात और सुनो, परिग्रह त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा में तीसरी बात यह है कि यदि दुर्भाग्य से, हम तो सौभाग्य कहेंगे उसे, लेकिन कहने की शैली में दुर्भाग्य,
यदि पाप के उदय में धन चला जाए, चोरी हो जाए, कोई तुम्हारा पैसा खा जाए, ले जाए, छिपा जाए, नष्ट हो जाए, तो संकलेश नहीं करना है। इस कीमत पर परिग्रह त्याग प्रतिमा का अपमान, संकलेश नहीं करना। जब देखो जब रोन लगे, हम पे पैसा है तो चलो गो इन्हें खा लो, हम तो इन्हें जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। अरे माफ तो प्रतिमा ही चली गई तुम्हारी, समझ गया। तीसरी बार मैंने कभी कोई संकट आ जाए कोई बात नहीं, इसी में सौभाग्य का। गणेश प्रसाद जी पंडित जी को बस में बैठे बैठ गए, कोई बात नहीं, एक खाली सीट थी बिठा दी उस ड्राइवर ने, क्या कहलाता कंडक्टर ने बिठा दिया। अब बहुत ही विधायक सीट, विधायक सीट थी, उसे बिठा दिया। थोड़ी देर बाद एक विधायक आया तो उन्होंने कहा त्यागी जी उठो, विधायक सीट है, विधायक बैठेंगे हैं। बस उतर गए, बस में से ही उतर गए, पैसे वापस नहीं लिए, उतर गए। आज से हम बस में ही नहीं चले, हर बार यही होगा उठा देगा कोई, हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है कि ऐसे ही विधायक हमसे बड़ा है, त्यागी हमसे बड़ा, और विधायक को भी इतना आदर नहीं, त्यागी को इतनी, अरे धिक्कार, छोड़ के उस दिन से पैदल चलने लगे। उन्होंने खुद लिखा है पैदल चले तो अच्छे रहे। यदि आपको जिन शासन की सेवा करना हो तो पैदल चले, गाड़ी में बैठने से सेवा नहीं होती। जंगल जंगल घूमोगे यानी कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे। अब वो मार्ग ही अच्छा है जोरदार, इस मामले में पढ़ना तो गणेश प्रसाद जी पढ़ने जी का जीवन चरित पढ़ना, मेरी जीवन गाथा, उसमें खूब मिलेगा आप कितने अजैन लोग प्रभावित हुए। दिगंबर मुनिराजों के जो पैदल विहार लिखा है वो उसमें एक कारण है, कई कारण है उसमें, बहुत सारे कारण है, अच्छे अच्छे कारण है, बढ़िया पढ़ लेना उसमें से। तो एक कारण ये है कि जिन शासन की बहुत प्रभाव में होती है, जैनियों से ज्यादा अजैन ही सुधर जाते हैं मुनिराजों से। अजैन लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं कितनी सारी, हाँ जो क्षणिक समागम होता है ना, क्षणिक कितने समय दृष्टि हो जाती, क्षणिक समागम में समय दृष्टि हो जाती है। अपन जो पढ़ता ही कर लेते इतनी सारी, इसमें ना हुआ कहो, क्यों इसमें तो अपन हैवी चल हो जाते हैं पढ़ने सुनने। लेकिन वो जो पहली बार अट्रैक्शन में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसमें बहुत समय दृष्टि हो जाती, अनुवृत्ति हो जाती है बहुत। इसलिए पैदल विहार त्यागियों का होना बहुत अच्छा, ठीक है। अब आओ दसवीं प्रतिमा, किताब बेटे पीछे किताब ले लो, खा तो दसवीं प्रतिमा है ना। दसवीं प्रतिमा का स्वरूप देख, अनुमति त्याग, अनुमति त्याग। छंद पढ़ती है अपन लोग, पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो दशमी प्रतिमा सहित श्रावक विगत कले। यहां से पहले पढ़ो, श्रावक विगत कलेश, श्रावक के जीवन में क्लेश चला गया है इसलिए अनुमति देने का भाव। नहीं समझ में आया, क्लेश वाले अपनी अनुमति देते, क्लेश करने की रुचि हो ना भी अनुमति देते, हमसे पूछ ही नहीं। देखा समाज में परिवार में हमसे पूछते तो कम से कम वो क्लेश है। देखो बेटा आज से हमसे अनुमति मत, अब अपन भी निश्चित नहीं पूछे कोई बात, क्लेश खत्म हो गया। वे पूछेंगे नहीं, हमें भी इंतजार नहीं है, हम आ जाए हम पूछें, वे पूछें, वे हमसे पूछें, देखें आप पूछें, अब पूछें, तो क्लेश है जी, समझ गए। अनुमति मांगने कोई आए क्लेश, बेटा हमसे नहीं पूछे। देखो एक प्रश्न में से दस प्रश्न खड़े हो जाते। पुत्र ने कहा पिताजी बहन की शादी करना है, कर दे। कहाँ, किस से, कितना खर्च करोगे, क्या करोगे, एक एक बात में अब क्लेश ही क्लेश हो। नहीं बेटा हमसे पूछो ही मत, अब हम भी निश्चित, तुम भी निश्चित, छुट्टी। कितने टेंशन होंगी बताओ, कितने प्रश्न खड़े होंगे, हमसे काहे नहीं पूछी तुमने,
शादी विवाह में एक चीज बहुत देखी होगी आम, रिश्तेदारों का क्लेश। रिश्तेदारों का भयंकर क्लेश, अपनी आगे सब कर लिए, अब हमें काय को बुला रहे। वही भगवान, जीजा जी, फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, काका जी, जन सब अकड़ते हो सब। क्या हमसे नहीं पूछा? संस्था चलाना इसलिए कठिन, संस्था चलाने में एक जरा सा मंदिर चलाना हो, जरा सी दुकान चलाना हो, मैंने ट्रस्टी हो, अपने ट्रस्टी बनाए हो अपनी गले में फांस, तुमने अपने आप क्यों कर लिया, हमसे क्यों नहीं पूछा? अरे भैया बहुत तकलीफ है, समझ में आया? तो ये विगत कलेश श्रावक कैसा है, इसको कलेश नहीं है, पूछो तो ठीक, नहीं पूछो तो ठीक, पता अनुमति देने के चक्कर में ही नहीं, समझ गए? पर को अनुमति किसको दी जाती है? दूसरों को दी जाती है, पर को और पापा रंभ को, अच्छे काम को नहीं, अच्छे काम की तो अनुमति देंगे, अच्छे काम की तो प्रेरणा करेंगे। शिविर लगाओ बेटा, देखो शिविर लगा नहीं कहते, मंदिर बनाओ, यात्रा संघ निकालो, आहार दान दिया करो, जी तो प्रेरणा करेंगे। पापारंभ की अनुमति, क्लेश पापारंभ में है, पुण्यारंभ में तो आनंद है, उल्लास है, उत्साह है, ऐसे में है। पुण्य के काम करो, अच्छे करो, बढ़िया। इसमें भी मुझे कहने की इच्छा है, पूरे देश में थोड़ा सा ठंडापन सा आ जाता है। आज निर्वाण कल्याणक है, हम तो कह रहे 2400 तीर्थंकरों का निर्वाण कल्याणक धूमधाम से मनाओ, खूब गाजे बाजे करो, मंदिर में भी लगाओ, श्रृंगार करो, ये है पुण्यारंभ। अब पापियों को तो इच्छा होती नहीं है, और जो त्यागी हो, जो शांत हो, आपको पता है सोनगढ़ की प्रभावना में बहन जी का सबसे ज्यादा योगदान, दोनों बहनों का। सभी क्या करती थी, गुरुदेव तो प्रवचन करते थे, चलो ठीक, नहीं गुरुदेव को आगे बढ़ाने में बहनों का बहुत बड़ा रोल था। तो बहनें क्या करती थी, क्या करती थी, करती क्या थी, चाहे अष्टांग का आए, चाहे 10 लक्षण आए, चाहे कहीं भी प्रतिष्ठा होना हो, पूरी तैयारी अपने हाथों से करती थी। रात को 12-1 बज जाती थी, मांडना अपने हाथों से बनाती थी, कल अष्टांग का है। इतने अच्छे वो झालर लगाती, क्या करा दे, ओ क्या लगाती, ये दीवारों में, छतों पर नहीं लगाती वो, छतों पर नहीं बनता, अरे पन्नियों की नहीं बनाती, तोरण द्वार भी क्या होता, जी जी सब में बांधती है, जो कहलाती वो सोतली में बांध के चिपका चिपका के करते थे, मैंने वहां सब नहीं आ रहा है यार, जगह जगह बांधते हैं डेकोरेशन करने के लिए। सोनगढ़ में पहली बार सबसे बढ़िया डेकोरेशन होता है। अभी भी आप राजकोट वगैरह में जाओ 10 लक्षण पर, अहमदाबाद में जाओ आप, तोरण अलग ही मंदिर मिलेंगे, वो बिल्कुल मंदिर 10 लक्षण में अष्टा सोनगढ़ में लगती। वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 धर्मों के नाम लिखे उन्होंने, 10 धर्मों के नाम, और अच्छे अच्छे जो जयवंत वर्तु जैन धर्म, अच्छी अच्छी बात, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया, मैंने उसमें उल्लास होता है, कार्य कार्य करने को मिलता है, उदास नहीं बैठे रहते। जब भी कोई आता था ना, सबसे पहला मांडना सुंदर बनाने का तरीका सोनगढ़ से, कांच के सामान लाओ, प्लास्टिक के सामान लाओ, नए नए चीजें लाओ, स्वस्तिक लाओ, जी लाओ, मैंने जी इकट्ठा करते थे, और फिर उससे वो मांडते थे, खूब मेहनत करते थे। अब जी किस्मत इतनी खराब है, क्या कहलाता जी तुम्हारी, छपी छपाई लगा देते जी, नहीं जी इस पर मांडने पर, क्या है वो, क्या कहलाता वो, अरे कुछ नाम है उसका, फ्लैक्स। अब फ्लैक्स ने सत्यनाश मारा, हर चीज का फ्लैक्स रखी दो, रखती ही है, सजाते थोड़ी है, मैंने काम निपटा दिया।
पहले हमने देखा है विदिशा में, वो जब पहले वो होते थे ना ये मांडना, तो चावल से मांडते थे, तो चावल को रंगते थे लाल हरा नीला पीला लाल, और फिर उनसे भरते थे, मैंने ख्याति होती थी ये बना ली थी भैया तुम्हें आना भैया भैया मांडना बनाने वाले, क्यों बहुत मेहनत लगती थी उसमें, अलग अलग रंगों के चावल, केसरिया चावल रंगवादू मैंने वो लास्ट जुड़ता था। अब सीधी व्यवस्था हो गई, गान मुझे इतना बुरा लगता है विधान में आ ही नहीं पाता, तो गाने वाला गा रहा है सुनने वाले अपनी मस्ती में, थोड़े दिन बाद एक मशीन आ जाएगी द्रव चलाने वाली, देखते रहो तो ज्ञाता दस्त मैंने महिलाएं और पुरुष गाते थे राग उठाते थे, एक ढोलक होती थी केवल बस, लेकिन राग उठाते थे बहुत आनंद आता था। तो हमारा मतलब जी जिस त्यागी व्रतियों का सुस्तपन हो गया ना, तो पुण्य आरंभ का अनुमति का निषेध थोड़ी लिखा है, पापारंभ की अनुमति का निषेध लिखा है। पंडित साहब को देखो हर कार्यक्रम में कितना उत्साह, हर कार्यक्रम में भैया आ रहा है कल करो, एक सप्ताह पहले से पंडित साहब कहते थे रक्षाबंधन की कहानी पढ़ो, उसमें गोष्ठी करो, उसमें ऐसा करो, कविताएं लिखो, भजन करो, भक्ति करो, है ना, ये करेगा कौन उत्साह, अज्ञानी पापी तो करेंगे नहीं, ज्ञानियों का कहा। तो पर को और पापारंभ को जो न दे उपदेश, अनुमति त्याग माने उपदेश नहीं देते, उपदेश नहीं देते जे जे करो ऐसे व्यापार करो ऐसे खेती करो, जी उपदेश देते समझ में आया, काय काय का उपदेश नहीं देते, व्यापार धंधे के पापा के समझे, नीचे लिखा शादी विवाह इनके उपदेश नहीं देते। सो दसवीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश, ठीक है, इस दसवीं प्रतिमा धारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है, वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है, उसकी सहज बिना हटके उदासीनता अर्थात राग की ममता इतनी बढ़ गई होती है, कसा इतनी घट गई होती है कि अपने कुटुंबी जनों एवं हितेशियों को भी, हितेशियों को भी, अपने कुटुंबी जनों को भी, हितेशियों को भी किसी प्रकार के आरंभ व्यापार शादी विवाह आदि के संबंध में सलाह मशवरा अनुमति आदि नहीं देता है। यह इस सलाह और मशवरा तो एक ही अर्थ है, सलाह हिंदी में है और मशवरा उर्दू में है, जितना सके आदि नहीं देते, ये व्यवहार प्रतिमा इस श्रावक को उत्तम श्रावक का, यहां से उत्तम श्रावक चालू हुए दसवीं श्रावक के तीन भेद हैं उत्तम मध्यम जगन, दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा धारी हैं वे उत्तम श्रावक, छठी प्रतिमा तक जगन्य श्रावक, वो सात आठ नौ ये मध्यम उत्तम श्रावक का क्या मतलब हो गया इसमें, उत्तम श्रावक है तो उनकी विशुद्धि भी बहुत बढ़ गई है और ये मुनि दशा के निकट हो गए इसलिए उत्तम है, ये उत्तम बहुत ऊपर उठ गए इसीलिए इनको ऐसे भाव नहीं आते मकान बनवाने का, व्यापार करने का, खेती करने का, हमसे पूछो यहां से बाल सफेद नहीं करी, इधर आओ यहां से करो खेती, ये शिक्षा नहीं देंगे, पापारम की शिक्षा नहीं देंगे, मकान बनाओ ब्याज दो खरीद लो जी चक्कर नहीं पड़ते, तो इतनी ऊंची उठ गई इनकी परिणति, इतनी ऊंची उठ गई समझ में आया, उठ गई का मतलब उन्हें ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं लगता है समझ, शादी ऐसा लगता है कहा ये दुख की जंजाल में पड़ रही चाहिए, आत्मकल्याण करते इससे बढ़िया था। अब एक बात ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूं, शादी विवाह व्यापार धंधा उन्हें खुद क्लेश लग रहा है, कहां फंस रहे, तो भी अनुमति क्यों देंगे उसकी, और नहीं तो फिर दसवीं प्रतिमा में नहीं, अच्छा और स्वयं को क्लेश लग रहा है जब तो छोड़ के आए, एक बताओ जब स्वयं क्लेश छोड़ रहे तो दूसरे क्लेश में क्यों डाल, ठीक है, इतनी बात है बार बार कहने के बावजूद एक बात कह रहा हूं, अब इनकी विशुद्धि बढ़ गई, पुण्य का उदय बढ़ गया, इनके पास अच्छे अच्छे लोग आते हैं, खराब लोग नहीं आते इनके पास, अच्छे लोग आते, उसकी अनुमति मांगनी नहीं आएगी,
नहीं आते हैं लोग, आते हैं पंडित जी आपकी नजर में कोई लड़का हो अच्छा मोक्ष, कोई धर्मात्मा, कोई लड़की अच्छी हो हमारे लड़का, ऐसा पूछते हैं लोग। घर वाले भी पूछते रहते हैं, बाहर वाले भी पूछते रहते हैं। तो सुनो ये सलाह भी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। और इनकी नजर में होते हैं सब, होते हैं बहुत ना, क्यों अच्छे अच्छे लोग आते हैं इनके पास, अच्छी बेटियां आती हैं, अच्छे लड़के आते हैं, ये चाहे तो फिर धंधा ही शुरू हो जाएगा, फिर तो ऐसी प्रतिमा हो जाएगी, मैरिज कराओ प्रतिमा। गाय की नजर में सब है, देश भर के अच्छे लड़के अच्छे लड़के, अब शादी कराते रहो, इसलिए नहीं करना। ठीक है, विगत क्लेश, क्लेश चला गया है, और नहीं तो क्लेश होगा फिर, इन दत्ता ने पटक दा ऐसे घर में पटक दी, इन्हें देखा था नहीं, हमें मिले थे इन्हें, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने कर दी, समझ गए, त्यागी व्रति ब्रह्मचारी बदनाम होगी और तुम्हें भी तकलीफ होगी। मुझे तो भैया सही बताऊ, मैं बता ही नहीं पाता किसी को भी, क्यों सब दुखी दिखाई देते, अब क्या बताए, हम कैसे कह दें एक दुखी दूसरे दुखी से निपट लो। क्या कैसे कह दिया पर? समझ में आए, चलो तो अनुमति त्याग, तो अनुमति नहीं देते, लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है, धर्म धर्म के क्षेत्र की अनुमति देती है, पुण्य आरंभ की मंदिर बनाने की आदि की अनुमति देते हैं, अनुमति देते माने उपदेश देते, समझ गए। अब आ जाओ उद्दिष्ट त्याग पृथ्वी, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा अंतिम प्रतिमा है, इसके बाद मुनि दशा की ये तैयारियां हैं, बिल्कुल ये मुनि दशा की बिल्कुल तैयारी। जो सुछंद बरते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आहार ओ दंड बिहारी, सोए कारस प्रतिमा धारी। जो सुछंद बरते, देखो क्या प्यारा शब्द है सुछंद, एक सुछंद बदनाम है, एक सुछंद बदनाम है, वो अर्थ नहीं है इधर। जो सुछंद बरते तज डेरा, डेरा माने अपना घर छोड़ के, डेरा मतलब अपना घर छोड़ के, मतलब घर की सुविधाएं छोड़, डेरा मतलब घर और घर की सुविधाएं उन्हें छोड़कर, प्रतिमा ग्यारहवीं प्रतिमा धारी है, चटाई मिल गई तो ठीक, जमीन मिला तो जमीन पे सो जाती, तखत मिल गया तो उसी पे सो जाती, जहां जगह मिल गई वही सो जाती, माने अब सुविधाएं नहीं चाहिए, समझ में आया, क्योंकि ये मुनि दशा की तैयारी है ना। जो सुछंद बरते तज डेरा, सुछंद माने अप्रतिबद्ध, कहाँ गए चले गए, खत्म, कौन तो कोई से बंधे किसी, सुचंद माने बंधे नहीं है कोई से, नहीं रहना पड़ेगा, काय को रहना पड़ेगा, नहीं रहना जी, अब इनके पास सामग्री ज्यादा नहीं होती है, एक जरा सा कमंडल और एक पीछी, और यदि छुल्लक है तो कपड़ा लिमिटेड, अब इतना कम पड़ गए क्यों, इससे पूर्व वाले इतने आराम से नहीं जा सकते, इतने आराम से नहीं जा सकते, अब इनके पास पड़ी गया छूट गया बहुत सारा, कुछ बचे ही नहीं, क्या बच गया, एक जोड़ी कपड़े और बस लंगोट अकेली, और या लंगोट और खंड वस्त्र, खंड वस्त्र समझते हो, खंड वस्त्र मतलब पूरा शरीर से छोटा कपड़ा, माने पूरा शरीर ना ढके, जिससे पूरा शरीर नहीं ढकता, नीचे से ऊपर से ओढ़ लोगे तो नीचे से रह जाए, मच्छरों की जगह रहना चाहिए। भाई तभी तो वही परिभो होगा ना, ये लंबी चौड़ी चादर ले लिया तो ने लंबी चौड़ी और चार तरफ से दबा लिया तो बच गए, छोटा वस्त्र होता है एक्चुअली, अब इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, माने इनको सुविधा है स्वच्छंद जाने की, स्वच्छंद जाने की, स्वच्छंद माने कहना नहीं समाज से हम जा रहे, तुम संभाल लेना अपना कमरा, माँ बोल है भी कहा संभालोगे तुम, हमारे कमरे में कुछ है नहीं संभालोगे क्या, मैंने एक तरह से बहुत अच्छी भाषा में कहा,
तो इन्हें बिहार करना हो ना, इसे बिहार करना, तो सुबह सुबह दिशा के लिए जंगल गए, तो बाइंग वही निकल गए, ये सोच रहे हैं कि आ रहे हुई आ रहे हुई है। हमने एक बार देखा है सब बिहार, अच्छे बिहार, धुवन जी में हुआ, अच्छा विद्यासागर जी से, तो बस दिशा के लिए गए, तो सब लिए गए दिशा के लिए, किसी को नहीं मालूम ना उनके सिस्टम को पता ना किसी को, वो चल दिए बस, अब चले गए सब, एक आदमी का सांस में तो रहता ही है, अब जो सोच क्रिया पूरी हो गई, अब वापस लौटना चाहिए, वहां वे नहीं लौटे, वहां से आगे चल दिए, तब वो आया हल्ला करता हुआ, ओ महाराज जी का प्यार हो गया, मैंने एक सेकंड में रोमांच मतलब पूरा हो जाए, अचानक बिहार हो गए, तो फिर बाकी भी साथ जल्दी जल्दी अपने पीछे कमर जोड़ा, ना कुछ लेना ना देना किसी से, ये है स्वच्छंद भरते, स्वच्छंद भरते, देखो बेटा हम जा रहे हैं, महाराज बोल रुको, रुका रुकी समझे, रुका रुकी, फिर रोन गान लगे, फिर महिलाएं अड़ गई, नहीं महाराज हम बिहार नहीं होने देंगे, हम ये नाटक नौटंकी, अब जो इमोशनल करना चाहती ना वो ऐसे प्यारे से कह देती, इतनी तारीख को बिहार होगा, बैंड बाजे लाओ, कार्यक्रम बनाओ, जे नहीं, जे है वो स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब जे है समाज का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, समाज का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सब इकट्ठे हो गए, फिर विदाई हुई, फिर सबने नरियल चढ़ाए, फिर अगली बार फिर अगली सरकार फिर तुम्हारी, ऐसे नहीं, स्वच्छंद माने उठे और चले। मैंने सुना है वर्तमान में एक मिराज है सिद्धांत सागर जी नाम, मुझे दर्शन नहीं हुए उनके, लेकिन नहीं मिराज ही है, एकल बिहारी है यूं तो, लेकिन उनके बारे में बताया था रुड़की में, रुड़की में बताया था, रुड़की में उनका चतुर्मास हुआ, मैं शिविर के निमंत्रण के लिए गया दिल्ली शिविर के निमंत्रण, तब उन्होंने बताया था, स्वामी जी की प्रवचन सुनते हैं और विद्वानों से चर्चा भी करते हैं और सुनते हैं, मैंने इतनी सहजता की जो मोक्ष के एक दो ही परिवार है उनके घर में आके सुन लेते थे गुरुदेव, इतनी सरलता थी, सरलता थी माने अभी भी है, लेकिन मुझे बात कहना वो ये थी कि वे जिस तारीख को चातुर्मास से स्थापना होती थी उसी दिन सुबह आए वो रुड़की, और जिस दिन पूरा हो जाता है ना कार्यक्रम, तो उस दिन भी पहले दिन भी बैंड बाजे नहीं, अगले दिन भी अंतिम दिन भी बैंड बाजे नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई लेने नहीं आएगा, कोई छोड़ने नहीं आएगा, इस नियम का पालन करते हुए, कोई जो नौटंकी होती नहीं इतनी लंबी चौड़ी लाखों रुपए का खर्च, कोई खर्च नहीं, अंतिम दिन बस उठे वही दिशा के लिए गए वहीं से बिहार, हाँ हाँ, ये नहीं कि हमारे चौका लगाओ, चौका व्यवस्था सब में आ गए पीछे कुछ नहीं चलेगी, बस मैंने ऐसे स्वच्छंद बरते की बात है, एक पैसा खर्च नहीं होता था एक जमाने में चातुर्मास का, एक पैसा खर्च नहीं होता, फिर से कह रहा हूं पिछले 25 सालों में पैसा खर्च होने वाली पद्धति हो गई, एक पैसा खर्च नहीं होता, और इस पैसा खर्च करने में से एक प्रॉब्लम सामने आ गई, छोटी छोटी गांव से बहुत सारे मुहिराजों को नहीं रख अपने चतुर्मास करा सकते क्योंकि खर्चा बहुत है, फिर उसी में से एक बनियागिरी आ गई, इतने विधान कराने पड़ेंगे, इतने भला करेंगे, उसमें सेठों बुलाएंगे, उसमें तब पैसे इकट्ठा करेंगे, तब जाके वो होगा, मैंने बहुत साल पहले एक पत्रिका छपती सरिता मुक्ता, ये सामाजिक पत्रिका है, तो ये रूढ़िवादिता पर चोट करती है सरिता मुक्ता, तो उसमें एक लेख छपा था मैंने जैन समाज के खिलाफ कि साधुओं के 30-30, 40-40 लाख के 25-25 लाख रुपए के मैंने बहुत बड़े बड़े बजट पहले पूछते हैं कितना पैसे खर्च करो तो हमें बुलाओ नहीं तो मत, मैंने ये उसमें लिखा था पत्रिका, ये गलत है मुहिराज, मतलब तुम्हारे घर में जो आहार है उसमें से लेंगे बस, इसके बाद कोई खर्चे नहीं, एक सरल सागर जी हुए हैं अभी भी हैं, सरल सागर जी अच्छा विद्या सागर जी के शिष्य हैं यूं तो, लेकिन संघ से अलग, और उन्होंने बहुत सारी समीक्षाएं लिखी, उसमें एक चातुर्मास समीक्षा ली,
अब उसे पढ़ो तो आपको बहुत मालूम पड़ेगी बात। चातुर्मास समीक्षा में अच्छी किताब है मोटी साइज की, और उन्होंने बहुत बातें लिखी इसमें कि चातुर्मास में कोई विधि विधान नहीं, ग्रंथों में एक स्वर्ण कलश फला कलश स्थापना हो ये कुछ नहीं है। केवल अकेले में रात्रि में 12 बजे सामाई में बैठ करके मंत्र पढ़ लेते हैं, बस स्थापना होगी, इतना सा काम है। मन हाँ खुद ही संकल्प कर लेते हैं, खत्म। इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम ही नहीं होता। इस प्रोग्राम से क्या हो गया है, मार्केटिंग होने लगी, इससे पूरा पूरा व्यवसायीकरण हो गया। अब समाज इसमें खुश होती है, चातुर्मास स्थाना पर 10 लाख तो आई जाए, और अंतिम दिन पीसी के नाम पर इतनी आ जाएंगे, कमंडल के नाम पर ऐसे आ जाएंगे, ग्रंथ के नाम पर इतना आ जाएगा, मैंने अब पूरा पूरा व्यवसायीकरण हो गया। इसलिए इसमें एक शब्द आया स्वच्छंद व्रत, समझ गए स्वच्छंद व्रत करने का मतलब, क्या क्या नहीं करना है ना पूछ के करना है, क्या क्या पूछ के मतलब हम कर लें, नहीं हम चले जाए, नहीं कर चले गए बस, हजारों पर फिर पब्लिक इकट्ठी हो गई, फिर रोआ गाई होने लगी, रोने लगते इमोशनल लोग, तो ऐसा ये नहीं हो। जो स्वच्छंद बरती तज डेरा, फिर कहाँ करते हैं बसेरा, मठ मंडप में करें बसेरा। अभी बन बन करें बसेरा नहीं लिया, क्या कहा, बन बन करें बसेरा नहीं, एलक छुलक और आरिकाएं, इनको प्रतिमा योग का निषेध। प्रतिमा योग क्या होता है, जंगल में बरसात के समय में बैठना ध्यान करना, इसका निषेध। वस्त्रधारी हैं जो जो वे कायोस्तर प्रतिमा लगा करके जंगल में नहीं बैठ सकते, इसलिए मठ मंडप में करें बसेरा। मंडप समझते हो, चार तरफ से खुला है उसको मंडप कहते हैं, और चार तरफ से दीवारें बंद हो उसको मठ कहती है। मठ और मंडप में अंतर, मठ पहले मठ होते थे, बहुत मठ होते थे, अभी भी है होती, आप मठ देख सकते हो, बंद रहते प्राय गुफाओं जैसे रहते, और मंडप तो तुमने देखा ही, मंडप बनाते ही चार तो से है ना, तो मठ मंडप में करें बसेरा। पहले मठ भी बनते थे और मंडप भी बनते थे, बहुत अच्छी भाषा में समझो तो बसतिका, बहुत अच्छी भाषा में बसतिका में करें बसेरा। उचित आहार, ये युक्त आहार, उचित आहार, इसकी चर्चा तो 46 दोष रहित वगैरह जो है ना सारे प्रकरण वहां से पढ़ना पूरा। युक्त आहार, उचित आहार माने युक्त आहार, युक्त आहार ही माने मांग के नहीं लेना, ये अनुचित आहार है मांग के लेना, इशारा करके लेना, कह देना हमारे लिए बना लेंगे, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं थोड़ा वो बना देना, नहीं कह करके आहार बनवाना, इशारे से आहार बनवाना, तो वो फिर अनुचित आहार है। बाकी सभी ले लेना, 46 दोस्त की पढ़ाई कराऊंगा तो वो समय लगेगा, बहुत समय लगेगा उसमें, बहुत अच्छी चर्चा है उसमें, है ना। उचित आहार, उदंड बिहारी, उदंड बिहारी, उदंड माने इंद्रियों की आधीनता से रहित होकर विहार करती, दंड कहलाती है इंद्रियां। क्या कहा, मन दंड वचन दंड काय दंड, इनको दंड कहती है, नियम साजी में देखना, निर्दंडो हम, दंड माने मन वचन का, इन इन इनको इनको एक प्रकार से दंड देती है, उद्दंड है, उद्दंड समझते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करती, उद्दंड के उद्दंड किसे कहते हैं लोग, बहुत बेकार लड़का है, उद्दंड है बिल्कुल, मैं कोई परवाह नहीं करता, ऐसे उद्दंड माने देह की परवाह नहीं करती, मन वचन काय की परवाह नहीं करती। सो एकादश प्रतिमा धारी, ठीक है। अब छुल्लक और एलक, इसके भेद, छुल्लक और एलक, छुल्लक और एलक में थोड़ा सा अंतर, तो क्या बहुत बड़ा अंतर, क्या है छुल्लक और एलक में बहुत बाकी का अंतर है, एक जैसे नहीं नंबर तो एक अंतर बहुत।
दो बस में खंड बस कॉपी उनका ही सिर्फ कॉपी मतलब होती है, लेकिन इस ब्राउन के लिए बहुत बड़ा होता है ये उस तरह से करवा देते हैं। शुल्लक, शुल्लक का मतलब है छोटा छुद्र, शुल्लक का मतलब होता है छोटा शायद क्या था छुल्लक, छुल्लक होते हैं छोटी छोटी छुल्लक लग छोटा था छुल्लक मतलब छोटे छोटे कौन से एलक्स 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 छोटे एलक के पास तो एक लंगोटी मुनि राज में और जितना भी अंतर है लंगोटी होता है। बाकी चलिया मैं अंतर थोड़ा सा इतना ही है कि दिगंबर मुनि से खड़े खड़े हाथ में आ रहे और एलक बैठ करके हाथ में आ गई बाकी चलिया से बाकी चलिया से मतलब इस बाहर देख लेते हैं ये सोच करते हैं दिगंबर को क्या नाम चला एलक बाहर का त्याग कर देंगे एलक बाहर में चल रही है छुटा बाहर में अच्छा हाँ छुटा बाहर में चल रही अब ये इतने ही कहना है इसलिए आज हम छुटा को एलक की विशेष स्थिरता विशुद्धि पड़ी है एलक पात्र में नहीं लेते हैं हाँ एलक पात्र में ही हाँ छुटा हाथ में भी पात्र में लेते कटोरा इसकी तो बहुत चर्चा भी है अन्य मतावलंबी खास तौर से एससी एसटी वगैरह स्पर्श अस्पर्श शूद्र हैं तो उनके लिए भी विधि लिखी है सब कि वे जो स्पर्श शूद्र है वो लोहे का कटोरा लेंगे बाकी एक धातु का अच्छा तांबे का तो नहीं मैंने एक अच्छी क्या कहना था वो पीतल का या जो भी एक अच्छा कटोरा लेंगे तो दोनों के बीच का अंतर लोगों को पता लगे। जो शुल्लक होती हैं वे आजकल तो व्यवस्था यही है कि एक ही घर में आहार ले लेते एक ही घर में आहार ले लेते मिल भी जाता है लेकिन दो तरह के शुल्लक होती है एक चौकी में आहार लेते हैं और एक चौकी के बाहर लेते हैं तो जो एससी एसटी वगैरह कभी बन जाते हैं शुल्लक तो घर के बाहर बैठ करके हार चौके में नहीं कराते हैं स्पर्श सूद रहे हैं तो नहीं छुल्लक हो जाती हो जाता है मतलब उनकी विधि यही है घर के बाहर चौकी के बाहर हार लेंगे और लोहे का कटोरा रखेंगे उन्हीं के लिए तो लिखी है व्यवस्था। मैंने पंचम गुण स्थान से तो आप जैनी मना कर ही नहीं सकते किसी किन्नर हुआ ना किन्नर वो भी पंचम गुण स्थान तक अब जिन साधुओं जिनकी सुनना जो दिगंबर नहीं हो सकते वे अलग छलग बोल पाते शरीर में कुछ ऐसे दोष हो जो आम पब्लिक में अच्छे नहीं लगते तो उन लोगों के लिए मैक्सिमम अलग छलग बनाते बहुत सारी बातें मिलेंगी आपको उसमें है ना वो सब पढ़ने के लायक है बहुत तो ये अलग और छुलग का बहुत अंतर है बहुत बातें लिखी मिलेंगी आप पढ़िए उसे केस लॉन्च नहीं करना पड़ता यानी केस लॉन्च करना पड़ा अब केस लॉन्च क्यों करती है अभी दीक्षा लेना तो मुनि दशा की तैयारी में केस लॉन्च करने से अब मान लो पहली बार कोई विरक्त हुआ और छुल्लक बन रहा है तो केस लॉन्च की ताकत नहीं कोई बात नहीं छुल्लक बन जाए अब इस छुल्लक रहते हुए भी धीरे धीरे विशुद्धि भी बढ़ाते हैं अंदर और प्रयास भी करते रहते हैं हाँ हाँ केस लॉन्च की तो फिर अलग बन जाए हाँ अब जैसे तीर्थ यात्रा करने की रुचि वाले जीव होते हैं तो छुल्लक बन जाते भ्रमण करने की रुचि है ही क्या करो बहुत ही भाव है भ्रमण करने की रुचि है तो फिर छुल्लक बन जाते जीप से कार से बस से ट्रेन से सफर कर लेते हाँ हाँ उन्हें फिर वो पीछे नहीं देती वो कपड़ा रखती है अपने हाथ एक कपड़ा रखती है समझ आए ना मैंने ये कुछ मर्यादाएं हैं तो ऐसे अलग छुल्लक की प्रतिमा है बाकी देखो कुछ बात तो ठीक है ना अब एक दो प्रश्नों के जवाब देके अपन चर्चा मैंने कक्षा पूरी करेगी। शुरुआत में पहले दिन हमने आपसे बात कही थी वो सब इसमें लिखी हुई है अंतिम अंतिम पेज पर ठीक है।
एक बहुत सुंदर चर्चा शुरू में है, जरा उसे देख लीजिए, पेज खोल करके मैं दिखाता हूँ। पेज नंबर बहुत सुंदर 23 नंबर का पेज देखिए, 23 नंबर का पेज निकालिए। 23 नंबर का पेज का पहला ही पैराग्राफ है, बड़ा प्यारा है, इसकी चर्चा करेंगे एक, और इससे पहले एक चर्चा और कर ले रहे, इसके साथ ही कक्षा का टाइम भी पूरा होगा और कक्षा का विषय भी हो। देखो, जो लोग क्रिया नहीं करते उसका नाम प्रतिमा नहीं, क्रिया नहीं करते मैंने पाप नहीं करते, उपवास कर रहे इसका नाम प्रतिमा नहीं है। असली प्रतिमा तो दो कसा चौकड़ी के अभाव की जो निर्मलता है, विशुद्धि है, स्वरूप स्थिरता है, स्वरूप में लीनता है, वो है असली। उसके साथ ये क्रियाएं हैं तो आप प्रतिमाधारी, फिर से कहता हूं आत्मा का आनंद नहीं है, लेकिन देह की क्रियाएं हैं तो उसका नहीं। टोडर मजी ने क्या लिखा, भय से या लोभ से भी पालन ना कर, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से भी ना पाल, और नरक निबोध के भय से नहीं पाल। राजा के भय से पाल रहा है तो पालना नहीं, आनंद के बल पे पालता है बस। एक बात हो गई पूरी, माने आत्मा का ही आनंद कंपस है, मोक्ष मार्ग कंपस है। अब दूसरी बात, एक दिन पढ़ा चुका हूं इसको पहले दिन, लेकिन एक बार फिर खुलासा कर रहा हूं। असली प्रतिमा मतलब दो कसाय चौकड़ी के अभाव की जो दशा है, माने जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, निर्मलता आ गई, उसका नाम प्रतिमा। लेकिन दुनिया इससे पहचानती है या इससे पहचान, इसका हम अनुमान लगाते हैं, ये असली प्रतिमा है लेकिन ये दिखती नहीं है, इसका अनुमान लगता है। ध्यान से सुनना, अव्यक्त कसाय का पता व्यक्त कसाय से लगता है। तुम्हारी कितनी कसाय का अभाव हुआ इससे पता लगता है तुम्हारी कसाय कितनी, माने कितनी प्रकट हो रही, इससे अभाव का पता लगा दो और अभाव से फिर इसका पता लगा लेते। ये तो दिखती नहीं ना, स्वरूप लीनता तो दिखती नहीं है, आत्मा में स्थिरता दिखाई नहीं देती, निर्विकल दिखाई नहीं देता, दिखाई देते ही कसाय। खाने के नाम पर तुम्हारी कैसी कसाय उसे पता लगा, इतनी व्यक्त कसाय तो बाकी शांति। ठीक, तो इसीलिए इसका सहचारी, इसका सहचारी, इसका सहचारी होने से इसका नाम व्यवहार करते। केवाय छह थी न थी, ये इसके साथ है इसलिए। ठीक है, और जिनवाणी में ध्यान से सुनना, जिनवाणी में पूजा की गई है, पूजा वो देह के आचरण की गई, चरणान योग में वो भी फोकट में नहीं की गई, वो इसकी सहचारी है इसलिए, वो इसकी सहचारी होने से पूजा 28 मूल गुण पूजा की जा रही है, 28 मूल गुण को अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं, तो वो आश्रम बंद रूप लेकिन नहीं, वो इसके सहचारी, संबंध निद्रा के सहचारी। यदि यह ऐसे संबंध निद्रा है तो 28 मूल गुण, यह ऐसी शुद्धता निर्मलता है इसलिए ऐसे भाव है, तो उसकी भी आदर है। माने चरणान योग में इसका आदर, करणान योग में इसका आदर, द्रव्यान योग में इसका आदर। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या कहा, चरणानी में देह की क्रिया का आदर, करणानी में दो का साथ चौकड़ी अभाव का आदर, और यहाँ दो का साथ चौकड़ी अभाव में प्रकट निर्मलता का आदर। ये तीन अनियोग हो गए, तीन अनियोग। अब चौथा अनियोग है इन तीनों की प्रशंसा करता, और जिनके पास इन तीनों में से कमी होती तो निंदा करता। प्रथमानियों का काम है निंदा और प्रशंसा, प्रथमानियों का काम क्या है, निंदा और प्रशंसा, वो इन तीन की। चारों नियोग भी घटाए अपन से, बराबर। अब 23 नंबर का पेज पढ़ रहे हैं अपन जल्दी से। इस प्रकार चरणानियों के कथन से, चरणानियों के कथन से जीव अपनी भूमिका को समझकर, अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचान कर स्वरूप स्थिरता को मापित करेगा। आगे ना बात अभी बताया अपन ने, अमोघ भूमिका माने प्रतिमा में जिन विकल्पों का सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित नहीं होता, गजब। इस पे बहुत चर्चा होना चाहिए, संभव है वो राग लेके विचलित नहीं होता। मुझे कई ब्रह्मचारी ऐसे कपड़ा पहनने पड़े, तो कौन सी प्रतिमा में वैसे कपड़ा पहनने की तकलीफ, जैसे कोई दिगंबर मुनिराज हो कपड़ा पहनने के भाव आए तो चलो उनसे कुछ कहो, तुमसे क्या कहें, क्या बताए पंडित जी, अभी भी रोटी खाने का भाव आ रहा, कैसे ढोर हो, मिथ्या छूटा नहीं है, रोटी खाने का भाव और हो रहा,
समझ गए, सद्भाव को जानकर विचलित नहीं होते, वरन उसका अभाव करने के लिए, उसका अभाव करने के लिए बाहर की प्रैक्टिस करते जी नहीं ली, स्वरूप विशेषता बढ़ाने का प्रसार करते जी। गजब बात है, बहुत मेहनत है स्वरूप विशेषता का प्रसार, तुम्हें खटक रहा है ना कोई भाव, उधर मत सोचो, जो विकल्प आ रहे हैं उन्हें मत रो, जो भी क्रिया अच्छी नहीं हो पा रही उसे मत रो, स्वरूप स्थिरता बढ़ाओ, कसाय मिटेगी तब क्या सुनेगी। साथ ही चरणान योग में वेद उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उठता उसे भी जान लेता। देखो उस भूमिका में जो रागांश उठ रहा है उसको शीतलाचार नहीं करता, शिथिलता आ गई लेकिन शीतलाचार ही नहीं होता, शिथिलता आ गई लेकिन शीतलाचार ही नहीं है। देखो कैसे शिथिलता आई है लेकिन शीतलाचार ही नहीं, तो वो समझ लेता है उस शिथिलता जन्य विकल्प ही उनके अतिचार, शिथिलता आ गई वो अतिचार है, शीतलाचार नहीं है, ध्यान रखना। और स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उस अतिचार को भी दूर करता, उस अतिचार का पोषण नहीं करता वो, उस अतिचार को भी। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, अभी तो समय हो गया इसलिए ज्यादा नहीं बोला, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफी है, ये जरूर विचार करें। शिविर का अंतिम क्षण, हमारी क्लास का अंतिम क्षण, सभी विद्यार्थी खूब पढ़े लिखे। देखो बेटे भले ही साल डेढ़ साल से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही और हॉस्टल में नहीं आ पा रहे हो स्मारक वगैरह में, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप गहरे निष्णात विद्यार्थी बने, खूब ग्रंथों का अध्ययन करें, कुछ भी मन नहीं लगे तो प्रथमानियों खूब पढ़े, चरणानियों खूब पढ़े और अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए पढ़े। अभी भी हमने जो चर्चा करी अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए है, किसी आलोचना के लिए नहीं, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म न्याय की भाषा में बीतराग कथा के लिए है, बीजगीसु कथा के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं है, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। ऐसा करके आप पढ़ो, शास्त्र को शास्त्र बनाओ, शस्त्र नहीं। शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना मतलब किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं पढ़ो और नीचे दिखाने के लिए मत पढ़ो, केवल आत्मोत्थान के लिए, आत्मोन्नति के लिए पढ़ो। इस शुभकामना के साथ विराम लेते हैं, ओम नमः शिवाय।